जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज दीपावली का वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है त्यौहार का। और हमारे यहां सुबह होती है पितृ देवता की पूजा, उनका हवन, हनुमान जी की धूप, बहुत सारी पूजाएँ होती हैं और फिर त्यौहार के पकवान होते हैं। तो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि हमें कितनी भी सजावट कर लें हम लोग, लेकिन कुम्हारी को सपोर्ट करना और माली को सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे आम के पत्तों और गेंद के फूलों से बंधनवार बनाकर सजाना और मिट्टी के दिए बनाकर सरसों के तेल वाले और जलाना बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल हम सब लोग बहुत सारी लड़ियां लगाते हैं, सजावट करते हैं, रंगोली बनाने के बहुत सारे आपका देख रहे हैं आजकल, इतने सारी चीज़ें जाली जैसी कुछ आती हैं और रंगोली बनाते हैं। लेकिन जो हम चौक पूरते हैं, फूलों से सजावट करते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं, तो दीपावली अच्छी लगती है। और हम हमेशा अपने माली को, ये कार्तिक का महीना ऐसा होता है कि इसमें माली को और कुम्हारी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कितनी भी फैंसी लाइटें लगा लो आप, सारी सजावट एक तरफ और मिट्टी के दियों वाला ये उत्सव, रंगोली बनाना एक तरफ। आप ये देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी लाइटिंग थी, इतना मन लग रहा था बाहर देखने में, बहुत सुंदर पूरी हमारी सोसाइटी सजी हुई थी लाइटों से, लेकिन फिर भी दिए लगाए थे। दिए लगाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत शुभ होता है। ये एक ऐसा त्यौहार होता है हमारे धर्म में कि 5 दिन तक चलता है। सफाई से शुरू करते हैं हम इस त्यौहार को, और फिर ये दिवाली, उसके बाद गोवर्धन, फिर भैया दौज, यानी मायके में जाके ये वाला त्यौहार समाप्त होता है हमारा भैया दौज का। हमारे यहाँ दिवाली, गोवर्धन, भैया दौज सब त्यौहार होते हैं। मायके में त्यौहार भैया दौज का होता है, कहानी सुनते हैं, मैं आपके साथ वीडियो शेयर जरूर करूँगी। लेकिन हम ये वाले त्यौहार पे जब साफ़ सफाई बनाते हैं, मेवा मिठाई चटपटा मीठा सब कुछ बनता है। ये ऐसा त्यौहार हमारे धर्म में है। इस फेस्टिवल में काम तो इतना बढ़ जाता है, इतनी सफाई। और हमारे यहाँ तो सुबह को जब ये पितृदेव की धूप होती है, फिर हनुमान जी की धूप होती है, मावस की थाली निकल, हमारे यहाँ ज़रूर होता है ये होली दिवाली का। और तो वैसे भी मावस हर महीने मैं करती हूँ, फिर उसमें प्रसाद पूजा, फिर शाम को लक्ष्मी जी की पूजा। और हमारे यहाँ क्या है, शुरू से मैंने अपनी मदर को देखा, अपनी मदर इन लॉ को देखा, शाम को पूजा से पहले ना वो सफाई करवाती थी घर की, उसके बाद में फिर वो सजावट और वो सब शुरू होता था दिए जलाने का। तो वो वाला शाम को फिर दोबारा से काम, और बहुत फिर रंगोली बनाना, बंधरवार सजावट करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं रंगोली जो बनाती हूँ वो वैसे बनाती थी, आजकल मार्केट में आने लगे हैं तो मैं वैसी बनाने लगी हूँ। आम के पत्तों की और गेंदे के चौक के पत्तों से जो बंधनवार बनाए जाते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। नेचुरल चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। तो मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं आम के पत्तों से कितने खूबसूरत बंधनवार बनाती हूं। आप ये देख रहे हैं, ऐसे गांव में बचपन में हम लोग ऐसे तराजू बनाने का एक अलग शौक़ होता था, दीपक में छेद करके, और फिर उसमें हम जब होल हो जाता था धागे से लकड़ी पर बांध कर तराजू बनाया करते थे। बहुत बच्चों को देखा है बचपन में, सब ऐसे बनाते थे, खेलते थे, एक अलग शौक़ होता था। दिए जलाने से ज़्यादा उसकी तराजू बनाने का ज़्यादा शौक होता था, वो बचपन के खेल थे। आप बदल गया है सब कुछ, अब सजावट बदल गई है, बच्चों के खेलने का हिसाब बदल गया है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी छोटी सी, मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, खाना बनाने से लेकर रात की पूजा तक बहुत बिजी शेड्यूल था। कभी मैं आपके साथ फुल डे दिवाली की पूजा का ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देना चाहती हूँ। लेकिन क्या है ना, ये मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट करती हूँ और एडिटिंग भी इसी से करती हूँ, और तो मोबाइल बहुत बिजी रहता है, बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन आ रहे थे, तो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी, पूरा वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से पूरा दिन दिवाली का बिताया था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सोसाइटी में जब हम बनाते हैं त्यौहार को, उसमें और जहाँ मैं तो सोसाइटी में आई हूँ, तो काफ़ी फ़र्क होता है, दोनों जगह ही अच्छा लगता है, सबका अपना अलग अलग। एक मेरे से मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि अब आप सोसाइटी में रहते हो तो कुछ चेंजिंग है, तो बहुत कुछ चेंजिंग होता है और सब जगह बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी। फ्रेंड्स, एक मैं संदेश देना चाहूँगी कि हमें अपने सेवादारों को त्यौहार पर ज़रूर खुश करना चाहिए, उनको ज़रूर कुछ हमें गिफ्ट देना।
देना चाहिए और मदद करनी चाहिए हर तरीके से।